करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र ने की पीएम मोदी से मुलाकात, बताया चमोली आपदा का हाल। सीएम ने राज्य में हिमनद व जल संसाधन केंद्र बनाना बताना जरूरी। मंत्रिमंडल के विस्तार को मिली हरी झंडी, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 नए मंत्री बनेंगे, विभागों में भी होगा फेरबदल। केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात, रुद्रप्रयाग में टनल निर्माण के लिए 225 करोड़ मंजूर, सड़क निर्माण के लिए भी 48 करोड़ की धनराशि होगी जारी। उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर बड़ा फैसला, कोविड टेस्ट के बाद ही विधायकों और अधिकारी कर्मचारी को मिलेगा विधानसभा में प्रवेश। 5 महिला संत समेत 23 संतों की होगी महामंडलेश्वर पद पर ताजपोशी, जूना अखाड़ा सामाजिक श्रद्धाओं के पेश करेगा अनूठी मिसाल। उत्तराखंड में फरवरी में हो रहा मार्च के मौसम का एहसास, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार, तापमान में लगातार इजाफा किया दर्ज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले बता दें रुड़की से इस समय बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे हैं कुंजा बहादुरपुर गांव। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रुड़की से, किसान पद यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं हरीश रावत। कुंजा से इकबालपुर शुगर मिल तक निकालेंगे पद यात्रा, यात्रा में विधायक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद। समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, यात्रा में विधायक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जहां पर यह पदरा यात्रा रुड़की में निकाली जाएगी। किसान पद यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं हरीश रावत, इस समय की बड़ी खबर आपको रुड़की से दिखा रहे हैं, जहां कुंजा से इकबालपुर शुगर मिल तक यह पद यात्रा निकाली जाएगी। फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा रुड़की से जुड़ चुके हैं। जो यात्रा निकाली जा रही है, क्या अपडेट है प्रिंस इसके बारे में आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में आज पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत रुड़की के कुंजा बहादुरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर पहले माथा टेका और वहां पर शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने यहां से पदयात्रा शुरू की है। और तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की पदयात्रा है ये, जो कुंजा बहादुरपुर से लेकर इकबालपुर तक पदयात्रा की है। इसमें किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत स्थानीय विधायक ममता राकेश जी और तकरीबन दर्जनों जो कांग्रेसी इनके साथ मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ हरीश रावत ने कहा है जो कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा ये थोपा गया है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी जो है इनके साथ है, किसानों के साथ है और किसानों के हितों को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी हुई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा जब तक कृषि कानून ये वापस नहीं लिया जाता, तब तक इनका ये इस तरह से प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग जगह लगातार चलता रहेगा। जी क्या लगता है प्रिंस, ये जो पदयात्रा निकाली गई है, इनकी जो मांगे हैं किसान को लेकर जो ये बिल पास हुआ है, कितनी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे? क्या कांग्रेस के साथ साथ में कुछ अन्य दल भी यहाँ पे समर्थन में आए थे या सिर्फ कांग्रेस के ही लोग थे यहाँ पे इस यात्रा में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो ये शहीद स्मारक कुंजा बहादुरपुर से निकाली गई है, वहीं भारी मात्रा में बात की जाए तो किसान और कांग्रेस के ही लोग मौजूद थे। इसमें कांग्रेसी विधायक भी थे और किसान कांग्रेस के प्रदेश में तकरीबन बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता ही मौजूद थे और उन्होंने ही इनके साथ मौजूद रहे हैं। और साफ तौर पर कहा गया कि केंद्र की भाजपा सरकार जब तक ये कानून वापस मिलेगी तब तक इस तरह के प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी चलिए त्रिश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो रुड़की से इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, जहाँ पे किसानों की तरफ से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पदयात्रा निकाली गई है। फिलहाल विकासनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर विकासनगर से आपको बता रहे हैं, करीब 60,000 बताई जा रही है स्मैक की कीमत, जहां पर तस्करों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने NDPC एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया है इनके खिलाफ। विकास नगर से इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कोतवाली विकास नगर के कुलहाल क्षेत्र की ये पूरी गिरफ्तारी हुई है, जहां से वहां की घटना है। अवैध स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, तकरीबन 60,000 बताई जा रही है स्मैक की कीमत, जहां से पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। NDPC एक्ट में मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। विकास नगर से इस समय की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कोतवाली विकास नगर की पुलिस को बड़ी सफलता, जहां पे अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस समय की बड़ी खबर, 60,000 बताई जा रही स्मैक की कीमत,
बड़ी सफलता पुलिस को, विकास नगर पुलिस को बड़ी सफलता, जहां पे कोतवाली विकास नगर के पुलिस ने यहां पे इन लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर देहरादून से है, जहां 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद उत्तराखंड लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से मैंने शिष्टाचार भेंट की। वहीं सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और पीएम मोदी से मिलकर मैं राज्य के लिए कई करोड़ की सौगात लाया हूँ, साथ ही राज्य की कई जरूरतें भी इस दौरे से पूरी होंगी। दौरा रहा, अनगिन मंत्रियों से मिलना हुआ, प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, और राज्य के लिए हजारों करोड़ की सौगात इस बीच लेकर आया हूं। और मुझे लगता है कि हमारी राज्य की तमाम जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, वो इस दौरे से हमारी पूरी होंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने छावनी चिल्ड्रन एकेडमी में आयोजित भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान वार्ता के आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसते हुए उसे पानी का बुलबुला करार दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना पर सीख देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुनावी सभाओं में सभी गाइडलाइंस का मजाक उड़ाते हैं। वहीं प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रीतम सिंह ने कहा कि खुद उनके केंद्र में मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक कुंभ में घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि वो उत्तराखंड स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए आए हैं। देखिए, ये सरकार तो दोनों को जो है गंभीरता से नहीं ली। जिस तरीके से COVID-19 की गाइडलाइन देकर के कुंभ की अवधि को कम करने का काम किया है, निश्चित रूप से हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि कुंभ 12 वर्ष में होने वाला पर्व है, जो हमारी धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, जो देश का नहीं दुनिया का है, एक ऐसा समागम है जिसमें लाखों लोग जो है समय से निकाला। आतंकवादियों की हर गतिविधियों को नाकाम कर उन्हें नेस्त नाबूद करने की दिशा में उत्तराखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS विंग में पहली बार महिला कमांडो दस्ते को शामिल किया गया है। पहले हरिद्वार, फिर नरेंद्र नगर PTC और अब देहरादून की पुलिस लाइन में इन महिला कमांडो दस्ते की बेसिक ट्रेनिंग कराई गई। आज से महिला कमांडो दस्ता ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उत्तराखंड ATS में शामिल हो जाएंगे। देहरादून पुलिस लाइन में महिला कमांडो ने कार्यक्रम में अपना डेमो मुख्यमंत्री के सामने पेश किया। इस मौके पर प्रदेश के कई पुलिस अधिकारी और भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि महिला कमांडो दस्ते का पहला ट्रेनिंग का फेज मार्च माह के अंत तक पूरा हो जाने के बाद इन्हें सबसे पहले महाकुंभ मेले जैसे बड़े आयोजन में तैनात किया जाएगा। हालांकि महाकुंभ आयोजन के उपरांत इनकी एडवांस कमांडो ट्रेनिंग एक के बाद एक आगे बढ़ती चली जाएगी। कर्ज था जो मेरी माता जी का, मेरी बहन का, मेरी श्रीमती जी का, और चुकाने का मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं होता। हम एक महिला के ही उपासक हैं, जिसे हम भारत माता कहते हैं, तो मेरा यह तरीका है सिर्फ उनको जो सर्व करने का। जो आपने कहा फ्यूचर, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें लगता है कि इस चीज को हम और बड़े लेवल पर ले जाया जा सकता है। ये 22 जो कमांडोज की ट्रेनिंग हुई है, ये 12 दिनों की ट्रेनिंग थी, और जिस पद्धति में इनकी ट्रेनिंग हुई है उसे कहते हैं मिट्टी सिस्टम। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कुछ ऐसा बना पाया अपने वतन के लिए। उत्तराखंड वैसे तो लाइन ऑर्डर की दृष्टि से एक शांति प्रिय राज्य है, लेकिन जब हम महिला कमांडो की बात करते हैं या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि केवल और केवल लाइन ऑर्डर की सिचुएशन जब खराब होती है ऐसे में ही वो काम नहीं करेंगी, बल्कि उससे उनका जो मानसिकता है उसमें भी परिवर्तन आता है। और इससे जो यहाँ पर सैकड़ों जो बच्चियाँ यहाँ पर आज इस कार्यक्रम को देख रही थी, उनके मन में भी एक जोश और उत्साह होता है कि हाँ, हम किसी से कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं। जिस तरह के हैरतअंगेज
कर्तव्य यहाँ पर हमारी कमांडोज ने दिखाए हैं वो अपने आप में बेमिसाल है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं सिपू जी जिन्होंने इन बच्चों को प्रशिक्षित किया है, उनकी टीम ने इनको प्रशिक्षित किया है और पूर्वाभ्यास एटीएस ने इनको हरिद्वार में कराया है, इन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। खबर देहरादून से है जहां आज महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने केदारपुरम स्थित राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र और राजकीय बाल गृह के लिए शयन कक्षों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान राजकीय बालिका निकेतन एवं राजकीय बाल गृह में रह रहे बच्चों को संबोधित भी किया गया। मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में खादी ग्रामोद्योग के सहयोग से सवा सीनियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण जैसे अगरबत्ती, धूपबत्ती, गर्म कपड़े, टोपी आदि का निरीक्षण किया गया है। नारी निकेतन में और हमारे शिशु सदन में, हमारे नारी निकेतन में जो हमारी मानसिक रूप से विकसित महिलाएं थी उनके लिए जो है आज 40 शयन कक्षों का जो है वह शिलान्यास किया गया जो कि 1,43,00,000 की धनराशि से बनने जा रहा है। इसके साथ साथ में हमारे जो ऐसे बच्चे शिशु सदन में जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी उनके लिए भी 20 शयन कक्षों का आज हमने शिलान्यास किया है। और इसके साथ साथ में नारी निकेतन में हमने महिलाओं के लिए एक हाईटेक लॉन्ड्री का भी हम लोग आज लोकार्पण करने जा रहे हैं। लक्सर तहसील क्षेत्र के बाहलपुरी गांव में अवैध खनन के खिलाफ एसडीएम व तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें क्षेत्र में खनन माफियाओं द्वारा मत्स्य पालन की आड़ में जेसीबी मशीनें लगाकर अवैध खनन किया जा रहा था। वहीं सूचना पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने दो जेसीबी मशीन को भी जब्त कर लिया है। इसके साथ ही मौके पर भारी पुलिस के साथ लक्सर एसडीएम व तहसीलदार भी मौजूद रहे। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन लोगों ने कोरोना वायरस को अब लापरवाही में लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं बाजारों में लोग भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे हैं जिस कारण अब एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते डोईवाला में एसडीएम लक्ष्मी राज चौहान ने नगर पालिका के अधिशासी अभियंता विजय चौहान, पुलिस अधिकारी कमलेश गौड़ व व्यापार संघ अध्यक्ष रमेश वासन, बीडीओ बीएस नेगी ने साथ तमाम लोगों के साथ बैठक कर कोरोना से बचने के उपाय को अपनाने की अपील की। पूरे देश में देख रहे होंगे कई राज्यों में क्या अपना लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, तो इसी के क्रम में जो शासन से या जिलाधिकारी महोदय से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में आज यहाँ पे व्यापार मंडल के और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक की गई और उनसे यही अनुरोध किया गया कि जो हमारी कोविड की जो गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क का प्रयोग हो गया या सैनिटाइजर का यूज़ करना है, इसको लेके अभी जागरूक बने रहें। इसी बात का हमें अनुरोध कर रहे हैं सभी व्यापार मंडल के साथियों से कि इस बात को पूरे समाज में फैलाएं ताकि जो कोविड का जो संक्रमण फैल रहा है अभी लगातार और अभी जो खतरा है अभी उसको देखते हुए अभी भी पूरी सावधानी बरतनी है। खबर डोईवाला से है जहां जल संस्थान के कार्यालय पर कांग्रेस नेता मोहित उनियाल और भारत भूषण पेले के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही जल संस्थान के अधिकारियों पर आरोप भी लगाया कि उन्हें सरकारी योजना से वंचित रखा जा रहा है। वहीं राज्य की त्रिवेंद्र सरकार गरीब परिवारों के लिए तमाम विकास योजनाओं का संचालन कर रही है लेकिन राजीव नगर और केशवपुरी बस्ती के गरीब परिवारों को सरकारी योजना हर घर जल हर घर नल योजना से वंचित रहने का आरोप लगाया। वहीं जल संस्थान के ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन पर मौके पर पहुंचे संस्थान के अवर अभियंता ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर उनकी समस्या को सुना और तत्काल विभाग के कर्मियों को कार्रवाई के निर्देश दिए जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और प्रदर्शनकारियों ने सीएम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी भी कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो उन्होंने पूरी की हो, परंतु जल संस्थान की ये हिंगामस्ती थी कि लोगों को परेशान किया जाता था, पानी की लाइन नहीं थी वहां पर। आज जब यहां पर जनता का हजूम देखकर कल से इनके द्वारा कह दिया गया कि कल से हम इनको कनेक्शन देना शुरू करेंगे, बहुत बड़ी जीत हुई है डोईवाला की जनता की। केशवपुरी बस्ती से जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल आया था उनका जो सीएम साहब द्वारा घोषणा की गई थी गरीब बीपीएल परिवारों के लिए 100 रुपये कनेक्शन की, तो उसके संबंध में वो जानकारी लेने आए थे, तो कुछ उन लोगों को शायद पूर्ण जानकारी के अभाव में वो लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए थे जिससे उनको जानकारी दे दी गई है जो
शासनादेश हुए उसकी प्रति भी उनको दे दी गई है, तो जिससे वो लोग संतुष्ट हो गए हैं और अब विधिवत रूप से जो है आवेदन करेंगे उसमें उनको जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। काशीपुर में अपराध बढ़ रहे हैं जिसको लेकर काशीपुर पुलिस काफी चिंतित दिखाई दे रही है, जिसके चलते पुलिस काफी समय से चोरी की तलाश में थी। आपको बता दें बीते दिनों बाइक चोरों ने शहर में बाइक चुराकर आतंक मचा रखा था। इस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर करीब एक दर्जन से भी ऊपर बाइक बरामद कर शातिर चोरों के गिरोह को पकड़ लिया है और स्थानीय लोगों को चोरों के आतंक से निजात दिलाई है। वहीं स्थानीय लोग पुलिस के इस काम में काफी खुश दिखाई दिए, जिसके चलते काशीपुर कटोर ताल चौकी में एकत्र होकर स्थानीय लोगों ने काशीपुर पुलिस टीम को शाल उड़ाकर सम्मानित किया और आगे भी पुलिस से ऐसे ही कार्य करने की उम्मीद जताई है। कटोर चौकी में करीब 14-15 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, इसका काफ़ी तेजी से विरोध हो रहा था और उसमें जो है हमारे चौकी प्रकाश जी ने उस चोरी को खुलासा करके सारी मोटरसाइकिल बरामद की है, इसलिए हम उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ दिन पूर्व हमारी टीम के द्वारा स्टैंड का पर्दाफाश किया गया, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 14 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। इसी में अपराध क्षेत्र के गणमान्य लोगों के द्वारा ये सम्मान समारोह किया गया, इसके लिए मैं उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आगे भी हमारे द्वारा प्रयास रहेगा कि इस तरह की रिकवरी जो लगातार करते हैं। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस ने जहां एक ओर आम लोगों की आर्थिकी को खराब करके रखा हुआ है, तो वहीं अब प्याज की बढ़ती कीमतें लोगों को रसोई से प्याज के जायकों को कम करने लगी हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को राजधानी देहरादून और गढ़वाल क्षेत्र में कई जगहों पर प्याज 60 रुपये किलो तक बिका। हालांकि कई क्षेत्रों में प्याज 50 रुपये प्रति किलो बिका, तो लेकिन आम लोगों की माने तो पिछले साल की तरह इस साल भी प्याज की कीमतें दिनों दिन आसमान छू रही हैं। रुड़की की झबरेड़ा नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को नगर पंचायत कर्मियों द्वारा पलीता लगाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम क्षेत्रवासी इस समस्या से बड़े परेशान हैं, जिसकी कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। झबरेड़ा नगर पंचायत लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। सड़क किनारे भारी तादाद में पड़े ये कूड़े के ढेर नगर पंचायत के स्वास्थ्य मिशन के दावों की पोल खोल रही है। आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के ही नेता मानवेंद्र चौधरी हैं, जो अपनी ही सरकार के मिशन को ठेंगा दिखा रहे हैं। इसके पास कोई भी ट्रेंचिंग ग्राउंड की कोई भूमि आज तक नहीं थी। यह समस्या आज नहीं, यह समस्या कई सालों से चली आ रही थी। अभी पीछे गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया था कि जितना भी कूड़ा नगर पंचायतों का है वो रुड़की जाएगा, जहाँ पर रुड़की पावर प्लांट बनने की बात भी हुई थी। लेकिन रुड़की पावर प्लांट अभी 2 साल बाद चालू होगा, वो लोग अभी कूड़ा ले नहीं रहे हैं।
देहरादून के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला कमांडो का उत्तराखंड पुलिस में शामिल होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। वहीं इस दौरान उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार सहित तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 22 महिला कमांडो का दास्ता ट्रेनिंग के बाद एटीएस का हिस्सा बना है, जहां हरिद्वार महाकुंभ में पहली तैनाती होगी। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर पैनी नजर रखी जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां ससुरालियों ने विवाहिता को पीटकर न सिर्फ घर से निकाल दिया बल्कि ये भी धमकी दी कि अगर उसने पुलिस से शिकायत की तो उसे और उसके मायके वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मामला यह था कि पीड़िता पिछले दिनों कोरोना की चपेट में आ गई थी। ठीक होने के बाद विवाहिता बीमार पर खर्च हुए पैसे अपने मायके वाले से नहीं दिला पाई, जिसके बाद से ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित कर रखा था। सर जब पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मेरा कोरोना हुआ, कोरोना के बाद उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद अब वो मेरे को पैसों की मांग कर रहे हैं। मेरी भाभी डिंकू रस्तोगी, हैप्पी रस्तोगी और भारती रस्तोगी और सुरेश रस्तोगी, ये सब जने मुझे पैसों के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। अब मुझे कहीं से पुलिस को भी कहा मैंने, पुलिस ने भी कुछ नहीं करा। फिर मैं महिला आयोग में गई हूँ, उधर से 5 तारीख की डेट आई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर ससुराल चली जाऊँ। टिहरी जनपद के घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह ने नई टिहरी स्थित बीजेपी कार्यालय में कहा कि कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि उनके खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं टिहरी जनपद के घनसाली के भाजपा विधायक शक्ति लाल शाह ने नई टिहरी स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि घनसाली विधानसभा के कुछ लोगों द्वारा मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रमक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि मेरी छवि को खराब किया जा रहा है। मेरी लोकप्रियता 4 साल के कार्यकालों को, इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। अब ये मेरे व्यक्ति का चरित्र पे उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे सामने जो विषय आए हैं ये मैं इनको कोर्ट में भी चेतावनी देने का काम करूंगा। मैं इनको किसी भी हिसाब से किसी भी तथ्यों पर बख्शने का काम नहीं करूंगा। मेरे मन को बड़ी ठेस पहुंची है, मेरे भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचने का काम किया इन लोगों ने। मेरे चाल चरित्र पर उंगली उठाने का, मेरे व्यक्तिगत चरित्र पर उंगली उठाने से पहले इन लोगों से मेरे से संवाद कर देना चाहिए था। पहाड़ी क्षेत्रों में नशे का बढ़ता व्यापार पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। मैदानी क्षेत्रों से तस्कर बड़ी मात्रा में स्मैक पहाड़ों में पहुंचा रहे हैं, जिसे कोटद्वार के बाद अब श्रीनगर नशे का हब बनता जा रहा है। यहां युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही नशे की गिरफ्त में आए युवाओं की काउंसलिंग भी की जा रही है। एसएसपी पेरोडका देवी ने कहा कि युवा नशा तस्करों की नजरों में है, पुलिस इसे रोकने के लिए अपने स्तर से कार्य कर रही है। 1 महीने के अंदर पुलिस ने 7 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।